Hello everyone. Once again, दोस्तों हम मजमूई तौर पर बहुत सारी छोटी बड़ी जहनी व जिस्मानी बीमारियों और तनाव का शिकार हैं। हमारे अंदर 24 घंटे एक इज़तिराबी कैफियत है, बहुत सारे जज्बात हैं और खौफ, और इस तरह के बहुत सारे अवामिल हैं जो हमारे खास कर जहन में पनप रहे हैं। हमारी बहुत सारी बीमारियों का ताल्लुक, जो छोटी हो बड़ी हो, जो कि एंजाइटी हो, खौफ हो, फियर हो, इस तरह भी कैफियत हो, इन बहुत सारी जो बीमारियां हैं इन सब का ताल्लुक जिस्मानी से ज़्यादा बेसिकली ज़हनी है। बुनियादी तौर पर बीमारियां सबसे पहले जहन में पनपती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां ज़रूर होती है जो हम पैदा होते ही अपने डीएनए में लेकर आते हैं, अपने आबाओ अजदाद की कुछ ऐसे ऐसी बीमारियां हैं जिनको मौरसी कहा जाता है। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी बेचैनियां हैं और ऐसी इज़तिराबी कैफियत हैं जिनको हम खुद, हमारा अपना लाशऊर जहन पैदा कर देता है। चूँकि हम इससे आगाह नहीं हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार नाराज़ होते हैं, गिला करते हैं हालात से, अपनों से, बेगानों से, माशी हालात से, अचानक पेश आने वाले बहुत सारे हालात से, सिचुएशनों से कुड़ रहे होते हैं। तो ये जो कुड़ना है, ये जो गिला करना है, ये जो खौफ में रहना है, ये जो कुछ करके फिर पछताना है, ये सारी अवामिल जो है ना, ये हमारे लाशऊर जहन में सबसे पहले पैदा होती हैं। जब जहन में ये सारे रद्दे अमल पैदा होते हैं, उसके बाद फिर ये क्या होता है, फिर इनको हम रोज़ दोहराते हैं, इनको हम रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। अगर किसी से हमें कोई गिला है, किसी ने हमें दुख पहुंचाया, वो कि कोई किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, ये हम ही हैं जो हम किसी से बहुत ज़्यादा तवक्कात रखते हैं, और जब वो हमारे किसी तवक्के पे पूरा नहीं उतरता तो हम दुखी हो जाते हैं। हम उस दुखी होने के उस अमल को बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। अगर आज के दिन दुखी हुए हैं तो आज शाम तक हम बार बार दोहराते रहेंगे कि यार उसने तो मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप के साथ एक हमदर्दी पैदा करना शुरू करते हैं, और उस अमल को जो हमने एक तवक्क की थी, हमने एक उम्मीद रखी थी उस इंसान से, वो कि उम्मीद तो हमने रखी थी, वो पूरा हमारा हमारी जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं उतरी, उससे हम दुखी हो गए। अब उस दुखी वाली जो अमल को, जो एक जज्बा है, जो एक ज़हनी जज्बा है, हम दोहराते हैं, शाम तक दोहराते हैं, दोहराते हैं, दोहराते हैं। अगले दिन थोड़ा सा वो कम हो जाता है, हमारे शऊर से नीचे जाके हमारे लाशऊर के खाने में जाता है वो अमल। तो अगले दिन भी हम थोड़ा बहुत उसको दोहराते हैं, उससे अगले दिन आस्ता आस्ता हम भूल जाते हैं, लेकिन वो जो जज्बा है, जो हम दुखी हुए थे, वो जो दुख है, वो हमारे जहन के लाशऊर के खाने में जाके स्टोर होने के बाद आस्ता 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 जाके हमारा जो रूट माइंड है, जो जहन का जो एक जड़ है, वहाँ पे जगह बना देता है वो दुख, वो जज्बा। इस तरह के बेशुमार जज्बात, बेशुमार मायूसियाँ, बेशुमार खौफ, बेशुमार एंजाइटी, बेशुमार तवक्कात,
ये सब इसी तरह शऊर में पैदा होते हैं, शऊर के बाद लाशऊर में जाते हैं, लाशऊर के बाद हमारा जो रूट माइंड है, जो जड़ है, वहाँ जाके जगह बना देते हैं। ये हमारे जहन का हैबिट पैटर्न, यानी जहन की जो एक आदत है अमल करने की, उसको ये डेवलप कर लेते हैं। ये वो सारे आमाल है जो कि बहुत ही मनफी है। गिला करना एक मनफी अमल है, दुखी होना एक मनफी अमल है। गिला हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ही ने तवक्कात रखा होता है अगलों से। तो ये सारे जो आमाल है, जो हमारे ज़हनी आमाल है, हम रोज़मर्रा इनको दोहराते रहते हैं, तो हम इनकी वजह से आस्ता 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 मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। हमारे चेहरों पे एक तनाव पैदा हो जाता है। वो जो एक मासूमियत थी, वो जब हम पैदा हुए थे एक बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह थे, वो जो हमारी मासूमियत थी वो आस्ता 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 ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में, हमारे बदन में एक सख्ती आ जाती है। हम आस्ता आस्ता ब्लड प्रेशर, शुगर, एन्जाइटी, खौफ, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, बहुत सारे बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह जो हमारी जो एक एज है, जो एक हमारी बॉडी की भी एक जो एक उम्र है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसको एक पैदा होना है उसके बाद डलना है, जैसे यूनिवर्स के सारी चीज़ें ऐसे ही हैं कायनात की, वो भी ज़रा वक्त से पहले डलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम बहुत सारा तनाव अपने रूट माइंड में, यानी जो हमारा दिमाग की जो एक जड़ है, जो लाशोर से भी नीचे है, उसमें हम लेकर चल रहे होते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम नाराज़ होते हैं, छोटी छोटी मामूली बातों पे हम दुखी हो जाते हैं। हम अपने साथ एक ऐसा जो है ना, एक अपने आप पर एक तरसाना में शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है हमारे साथ इस दुनिया में बहुत बुरा हो रहा है। बीवी को मियाँ से गिला है, मियाँ को बीवी से, बच्चों को माँ बाप से गिला है, माँ बाप को बच्चों से, फर्द को मुआशरे से गिला है, मुआशरे को हुकूमतों से गिला है। मजमूई तौर पर हम सब गिला करते हैं, दुखी हो जाते हैं, अफसोस करते हैं, लेकिन हम चूंकि आगाह नहीं हैं, हम बेदार नहीं हैं, हमें नहीं पता होता ये जो सारे जज्बात जो हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार पैदा करते हैं, ये एक तरह के आग है। किसी से गिला करना, खफा होना, नाराज़ होना, शिकायत करना और अपने आप को काबिले रहम समझना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आग है। ये आग हम खुद अपने अंदर पैदा करते हैं, उसके बाद इस आग को पहले हम अपने शऊर में पैदा करते हैं, उसके बाद लाशऊर में ले जाते हैं इसको। ये खुद ब खुद, चूँकि शऊर के बाद जो एक नई चीज़ शऊर में आ जाती है, तो वो जो पुरानी जो चीज़ है, पुराना जो इमोशन है, जज्बा है, वो ऑलरेडी लाशऊर में चला जाता है, थोड़ा सा स्टोर हो जाता है, उसके बाद लाशऊर से रूट माइंड में चला जाता है। अब हमारी जो ज़िंदगियां हैं, हम रोज़मर्रा मजमूई तौर पर अगर आप मार्केट में देखें, बाज़ार में देखें, लोगों को देखें, एक तनाव होता है चेहरों में, एक बेचैनी हो जाती है। हम सीधे बैठ नहीं सकते, सही तरह से बाज़ औक़ात बात नहीं कर सकते, मामूली बातों पे बिगड़ जाते हैं। हमारे अपने जो रिश्तेदार हैं, आपस में जो लोग हैं, हमारे जो अपने बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हमारे बीच एक फासला पैदा हो जाता है। वो फासला बेसिकली हमने ख़ुद पैदा किया हुआ होता है। तो बुनियादी तौर पर हम उन सारे जज्बों से आगाह नहीं हैं कि इन ये जो जज्बे हैं जिनको हम पालते हैं, ये आगे जाकर हमारे रूट माइंड में एक लावे के तरह, एक आतशफिशां की तरह बहुत सारे नेगेटिव जज्बात है। ये कब आस्ता आस्ता पटना शुरू करेंगे, कभी किस बीमारी की सूरत में सामने आ जाएंगे, कभी किस रिएक्शन की सूरत में सामने आ जाएंगे, कभी चिड़चिड़ापन की सूरत में सामने आ जाएंगे, कभी हम लोगों से बेगाने होंगे। तो ये सारी बेचैनी, इज़्तिरापी कैफियत, ये दबाव, ये तनाव, ये हमने बेसिकली ख़ुद पैदा किया हुआ है और जिससे हम आगाह नहीं हैं। ये सारी बातें करने का मेरा जो मकसद है, कहने का मेरा मकसद ये है कि
कभी भी किसी भी चीज़ में कोई देर नहीं होती। जहाँ आप अगर आगाह होते हैं, आपकी आंखें खुल जाती हैं, आप ये सारी हकीकतें समझ जाती है, वहीं से आप अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं। आप अगर अपने अंदर तब्दीली लाएंगे तो आप बदल तो जाएंगे, एक सुकून आपकी ज़िंदगी में आएगा, बहुत सारी बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी, आप फिर से आप मासूम बच्चों की तरह, आपका जो चेहरा है वो खिलखिलाना शुरू हो जाएगा, एक नूर पैदा होगा आपके चेहरे पे। उसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, मुआशरा सब, चूँकि आप जब बेहतर होंगे तो वो आपकी बेहतरी का असरात आपके इर्द गिर्द पैदा शुरू होना होंगे। तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह के लिटरेचर पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ऐसी बातें सुनते हैं, उनसे असर पड़ता है, ज़रूर पड़ता है, तब्दीली आ जाती है। लेकिन वो सारे जो है ना, जो तब्दीलियाँ हैं, वो जैसे आपने कोई किसी से कोई बात सुनी, उसको कहते हैं रिसीविंग विजडम। आप पैदा हुए, आपने सोसाइटी से, लोगों से बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी सुनी, आपने रिसीव किया उन चीज़ों को, उन पर अमल करना शुरू कर दिया, वो रिसीविंग विजडम है। उसके बाद आपने बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दी, जिनको कहते हैं इंटेलेक्चुअल विजडम। कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, कुछ किताबें हैं, आप जो है ना दीनी दुनिया भी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, उनसे जो है ना नसीहत हासिल करते हैं, उनको कहते हैं इंटेलेक्चुअल विजडम। जो आपने किसी की तजुर्बे को, किसी किताबी हिदायत को आपने पढ़ा और उसको आपने अडाप्ट किया, आपने आप को तब्दील करने की शुरू करना शुरू कर दें। आखिरी जो फाइनल एक वो है जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल विजडम, तजुर्बाती दानिश, तजुर्बाती आ गई। तो तजुर्बाती आ गई बेसिकली मेडिटेशन है। आप कहीं किसी तन्हा मकाम पे सबसे पहले जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, इससे पहले आप बाहर की दुनिया में दौड़ रहे थे, पहली बार आप अपने अंदर की दुनिया में जाते हैं, अपने आप से आगाह होना शुरू करते हैं, अपने जज्बात से आगाह होना शुरू करते हैं। जो ही आप मेडिटेशन के अमल में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं, आप देखते हैं आस्ता आस्ता आपकी ज़िंदगी में जो एक सनसनी खेजी थी, एक खामखा का हलचल था, बेचैनी थी, एक इस तरह की कैफियत थी, वो आस्ता आस्ता तमना शुरू हो जाता है, काम होना शुरू हो जाता है। जो ही आप मेडिटेशन के इस प्रोसेस को आस्ता आस्ता बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, आपके अंदर एक पुरसकूनियत आ जाती है, आप तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। आपकी फैमिली के लोग भी आपकी इस तब्दीली को महसूस करते हैं, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। तो बुनियादी तौर पर आप करते क्या है, आप बजाय दुनिया को बदलने के अपने आप को बदलना शुरू करते हैं। क्योंकि इससे पहले आप सो रहे थे, आपको लग रहा था कि आप ठीक हो, बाकी दुनिया गलत है। लेकिन जब पहली बार आप मेडिटेशन कर शुरू करते हैं, जब आप अपने अंदर जाते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया में जो है ना आपके जो इमोशंस है वो आप खुद आप ही के कंट्रोल में नहीं हैं। तो आप उनको, उनका मुशाहिदा करना, आप करते कुछ नहीं है, आप सिर्फ उनका मुशाहिदा करना शुरू करते हैं मेडिटेशन करके, सांसों के ज़रिए। ये एक टेक्निक है, इस पर मैं बात करूँगा, और बल्कि मैं जो है ना, जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है बेदार टीवी के नाम से, मैं उसमें बहुत जल्द मेडिटेशन के 10-10 मिनट के क्लासेस शुरू करूँगा, ताकि आप मेरे साथ मेडिटेट करना शुरू कर दें, ताकि आप 3-4 क्लासों में मेडिटेशन सीखिए, उसके बाद कहीं बैठ के आप मेडिटेशन करें। ख़ास तौर पर जो एक सांसों को का मुशाहिदा करने का जो एक अमल है मेडिटेशन का, एक बेहतरीन टेक्निक है। मेडिटेशन बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ एक इलाज है, एक ऐसा इलाज है जिसमें आप खुद डॉक्टर हैं, आप अपना इलाज खुद ही करते हैं। सिर्फ आपको उस टेक्निक को एक बार सीखना होता है। तो मैं बेदार टीवी के ज़रिए बहुत जल्द मेडिटेशन की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, और मुझे अंदाज़ा है कि हमारे माशरे में छोटों से लेकर, बड़ों से लेकर, बूढ़े जवान सब कितने बेचैन हैं, कितनी परेशानियां हैं। बहुत सारे लोग नफ्सियाती डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, ज़ाहिर है नफ्सियाती तौर पर वो बेहतर नहीं हैं,
इसकी बहुत ज़रूरत है, ये बेहतर वक्त है। इस वक्त जो हालात हैं बाहर की दुनिया के, बहुत सारी हालात है उसका, अगर आप टीवी खोले तो आपको जो है ना एक बेशुमार ऐसे ख़बरें मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि पता नहीं मैं अगले लम्हे में क्या होने वाला है, एक बहुत ज़्यादा खौफ और फियर पैदा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका मेडिटेट करना, अपने आप को खुद जगाना, अपने आप का खुद इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत जल्द मैं मेडिटेशन की क्लासेस लेकर आने वाला हूँ आपके साथ, और उम्मीद है मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आनी शुरू होगी, खुशहाली आनी शुरू होगी, बिल्कुल काम होना शुरू होंगे, और उनका जो रोज़मर्रा का जो काम है, रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है, उनमें मज़ीद बेहतर आ जाएगी। क्योंकि जब उनके अपने अंदर की एनर्जी बढ़ेगी, वो अपने काम को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने फैमिली को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, वो जब खाना खाएंगे तो वाकई खाना खा रहे होंगे, वो जब नहाएंगे तो वाकई नहा रहे होंगे, उस पानी के कतरों के साथ भी उस वक्त साथ को महसूस कर रहे होंगे, उस खाने के उस निवाले की उस लज्जत को जो आपके पूरे पेट में जाके आपके बॉडी का हिस्सा बन रहा है, वो एक एक चीज़ को महसूस करेंगे और जागे हुए होंगे, और उनका उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उनकी नींद अच्छी होगी, रात को टाइम पर सो पाएंगे, किसी को टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं मेडिटेशन की क्लास शुरू करने वाला हूँ। खुश रहें, बेदार रहें, आगाह रहें, लम्हे मौजूद में हाजिर रहें। सलाम अलैकुम।